मिनिस्टर अगर किसी मुल्क को कोई एप्लीकेशन देता है या कोई स्टेटमेंट देता है कि फला बंदे को फला वीजा होल्डर को आप मुल्क से डिपोर्ट करें, तो क्या बिलावल भुट्टो का अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर क्या बिलावल भुट्टो का भी हाथ हो सकता है? यह भी एक सवाल है जिसका आप जवाब जानेंगे। इसके अलावा कीनिया एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के टारगेट किलर्स वहां पर मौजूद होते हैं। कीनिया की गवर्नमेंट लोगों से एक किस्म का भत्ता लेती है या फिर सुपारी लेती है किसी बंदे को मारने की, तो अरशद शरीफ के लिए कीनिया ही क्यों डिसाइड किया गया? क्या दुनिया में ममालिक कम थे? क्या दुनिया में कहीं और वो नहीं जा सकता था? सहाफत में भी नुकसान हो रहा है, पॉलिटिक्स में भी नुकसान हो रहा है, इलेक्टेड वजीर आजम को उतारा जाता है और चीफ इलेक्शन कमीशन एक तरफ इमरान खान को नायल कर दिया जाता है, नायल कर रहा है वो इमरान खान जिसने तारीख में पहली दफा 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इन तमाम बातों के तनाजुर में हम बात करेंगे अपने कानूनी माहरीन से, बात करेंगे उन लोगों से जो सियासी बसीरत रखते हैं, जो सहाफती बसीरत रखते हैं, जिनका एक बड़ा तजर्बा है, एक बड़ी उनकी नज़र है, एक गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से वो इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए माइंड ब्रेकर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपने वाजिद काजमी को दीजिए इजाज़त। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।